भरगांव तालुका के मांडा प्लास्टिक जोन में सत्यम प्रिंटिंग प्रेस में एक काम कर रहे मजदूर की गई जान। तारीख 9/5/2023 को सुबह 10:30 बजे के करीब सत्यम प्रिंटिंग प्रेस नामक कंपनी में अनिल नामक मजदूर की रहस्यमय हुई मौत। कंपनी संचालक का कहना है, अनिल बीमार था और उनको ट्रायल बेस पर काम पर रखा गया था एवं उनका कोई पेपर वर्क नहीं किया, तो सवाल ये है कि अगर अनिल कुमार बीमार था और काम करने की स्थिति में नहीं था तो उनको काम पर किस वजह से रखा गया, एवं अनिल पहले भी 3-4 साल इस कंपनी में काम कर चुका था, तो क्या कंपनी में काम कर रहे मजदूर की बीमा पॉलिसी कराई जाती है एवं इस कंपनी में कोई सेफ्टी को रूल्स फॉलो किया जाता है। अगर कंपनी ये सब जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो किस आधार पर मजदूरों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। अनिल की मौत के 72 घंटे बाद भी मृतक को कोई सहायता नहीं दी गई कंपनी की ओर से, जिसके कारण मृतक के परिवारजनों ने मृत शरीर स्वीकारने से इनकार कर दिया और मृत शरीर 72 घंटा पोस्टमार्टम रूम में पड़ा रहा। क्या मानवता नाम की कोई चीज़ है? इन कंपनियों के संचालकों में मजदूर की मौत होती है और कंपनी संचालक अपनी दमड़ी बचाने में अड़खम रहते हैं, जब साथ में काम करने वाले अन्य मजदूर चंदा करके मृतक के परिवार को 1 लाख तक सहायता करने आगे आते हैं, तब पर कंपनी संचालक अपनी मानवता को भूलकर इंसान की मौत की कीमत कौड़ियों में लगाते हैं। तो तमे આજે હવે ઘટના ઘટી છે તે ઓન પેપર એ કસે કંપની માં નહી હતો તો તમે કેવી રીતે ચાલશો આગળ પછી? એને છે ને ટ્રાયલ બેઝિસ પર રાખ્યો હતો। અચ્છા, 1 મંથ કરવા માટે એની બોડી લેંગ્વેજ ની હિસાબે જૂનો માણસ છે એ હિસાબે રાખ્યો। તો જેટલા માણસો મતલબ જે ભી ટ્રાયલ બેઝ પર આવે છે એ કોઈ પેપર વર્ક નથી થતું એનું, હવે સમજો કે 10-15 દિવસ એ માણસ કેવું કામ કરે છે એ હિસાબે કરે, પણ અકસ્માત તો એક દિવસ માં ભી થઈ શકે છે, જે કંપની ઉપર જ જવાબદારી છે ને, ત્યારે કંપનીએ કોઈ પેપર વર્ક પર નથી કામ રાખ્યું, તો મતલબ કંપનીએ એના બાબતમાં શું પછી જિમ્મેદારી લેશે? કંપનીની જવાબદારી જે થાય તે લીગલ કરશું, પણ તમારે અહીંયા પેપર વર્ક જ નથી, કાલ સવારે કંપની હાથ ઊંચા કરી દે તો હવે લીગલ કરશે ને? લીગલમાં એટલે તમે શું કહેવા માંગો, કઈ તરફ એને લીગલ થશે એમ કહો? લીગલમાં તમે કેવો છો, લીગલ થશે તો કઈ તરીકેથી લીગલ થશે? લીગલ તો એ છે કે વિધાઉટ ઓથોરિટી પેપર કે વિધાઉટ તમારા અપ્રુવલ તમે કંપનીમાં કોઈને રાખી નહીં શકો, તો પછી તમે શું લીગલ કરવા કહો છો બતાવો? તમારા સેટ નું નામ શું છે? કા રહે છે? તો આ જાણ વિશે શું કીધું તમારા સેટે? લીગલ કરવા કીધું છે ને? લીગલ કરવા કીધું છે ને? સર આપકા મેરા નામ રાજન। ये जो बनाव बना है ये कौन सी कंपनी का बना है? सत्यम प्रिंटिंग प्रेस। ये कहाँ पे आई है? प्लास्टिक जोन में। तो ये जो जो घटना में जो मृत्यु हुआ उसका नाम क्या है? अनिल पटेल। तो ये घटना कैसे हुई थी अंकल, बताओगे जरा? वो एक्चुअली उसी दिन हमारा कंपनी ऑफ था, छुट्टी था, उसी टाइम थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए बुलाया था, वही कुछ कर रहा था करके, कुछ जो पानी पीने के लिए गया था, क्या किया था पता नहीं, उसको कुछ हो गया लगता है। वो एक टेबल में बैठा था, बैठ बैठते गिर गया, कभी कोई देखा नहीं था, आजू बाजू में कोई नहीं था, पागल में कोई जो आदमी था वो देख के जाके देखा तो नीचे गिर पड़ा, हम लोग उठाया, वो मुझे आके बोला था, हम लोग जाके उसको उठाया, वो सर्जरी हॉस्पिटल में दिखाया था, लेके गया था बाइक में, उधर लेके जाके तो लोग बोला ऑक्सीजन कम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ, हम लोग भिलाड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आया, डॉक्टर लोग चेक करके बोल दो उसको मर गया। अच्छा, तो ये कितने साल से अंकल काम करता था आप लोग के इधर? ये पहला 2-3 साल कुछ काम किया है, फिर उसको कोरोना में बहुत बीमार हो गया था, उसको घर भेज दिया था। अच्छा। हिसाब किताब करके फिर उसके बाद उसको फोन बार बार आता था, तो पहले जो काम करता था वो कंपनी पेरोल पे था आप लोग के? कंपनी के पेरोल। फिर वापिस जब उसने ज्वाइनिंग किया तो कौन सी डेट से उसने ज्वाइनिंग किया था? मेरे हिसाब से ये 27 तारीख का कुछ था। तो 27 तारीख को ज्वाइनिंग किया था, तो उसका कुछ पेपर वर्क आप लोग ने किया था? नहीं सर, उसको बोला था तुम काम करने का एक हफ्ता 10-15 दिन काम कर ले, तेरे को शूट होएगा तो फिर अपन आगे बढ़ेगा, तेरे को ये मतलब बॉडी मतलब तेरा ताकत नहीं है ऐसा कुछ होगा, तेरे को फिजिकली तो ये होना चाहिए था, तो जमेगा फिर अपन आगे बढ़ेगा, तेरे को रख देगा। तो जब आप लोग को पता था कि उसका हेल्थ इश्यू और फिजिकली उसको प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोग ने ये रिस्क लिया, तो किसकी जिम्मेदारी आपकी है कि उसकी थी?
नहीं नहीं एक्चुअली वो था सी तक थोड़ा कमजोर था, आपने भी बोला इतना साल काम किया, बोल रहा रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, खाना पीने के लिए तकलीफ है घर पे, कि थोड़ा मैं हम लोग को मदद करो सर, मैं छोटा मोटा काम कर दिया, इंसानियत के हिसाब से उसको काम पे रखा है। तो अभी ये कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेने वाली है आगे? सर कंपनी जो कुछ है वो हिसाब से जो होएगा, 8 दिन काम किया है पहले का तो जो सेटल्ड है, जो जो कुछ होएगा हम लोग जो हिसाब से जो आया जो हो गया ऐसा हॉस्पिटल में हम लोग इतना जो किया, फिर जो कैसा कानून जो कुछ होएगा तो कंपनी देखेंगे सर। जो पीएम में आपके भाई के बॉडी को रखा गया है और यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि आप बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है सर कि बॉडी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कंपनी उसकी मांग पूरा नहीं कर रही है। तो आपकी एक्चुअली मांग क्या है? हमारी मांग है कि उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, परिवार है, उसके पालन पोषण के लिए जो भी इन कंपनी की उचित कार्रवाई करनी है वो करे। आपने कंपनी के कोई जिम्मेदार व्यक्ति से इस बारे में चर्चा की, बात की है किसी से? हाँ, कंपनी के जिम्मेदार मैनेजर से सो भी बात हुआ था, उसने बोला कि बॉडी को खर्चा दिलवा देता हूँ, बॉडी घर पे ले जाना है तो घर पे ले जाओ, नहीं तो 1,00,000 रुपया ले लो। ये कोई बात है किसी की मौत हो जाने के बाद एक लाख रुपया देने के लिए? ये लोग धमकी से बरियारी से ऐसे कर रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? मालिक वो मैनेजर ना बोल रहा है, उसके बाद अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि मैं तुमको देख लूँगा। कौन बोला? इनके कंपनी का ही स्टाफ है। अच्छा, बोला मेरे से पंगा लोगे तो बहुत बुरा होगा। ये धमकी कौन दे रहा है, आपको नाम पता है? नाम तो सर नहीं पता है, लेकिन हम तो कंपनी में स्टाफ है नहीं, कंपनी का कोई है नहीं, हमारे उनके भाई हैं, हम सूरत में रहते हैं और इनके कंपनी का ही स्टाफ है वो। हमारे क्या नाम है आपका? वैभव तोदी। मेरी कंपनी का नाम सत्यम प्रिंटिंग प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। तो कल जो बना हुआ था उसके बारे में जानकारी दीजिए ना। आदमी आया था सवेरे काम पे 8 बजे, उसकी तबीयत उसको नरम गरम लग रही थी, उसको ठीक नहीं लग रहा था, तो दूसरे उसके कलीग्स ने बोला कि आप थोड़ी देर आराम करो, ठीक लगेगा तो आप काम करेगा, नहीं तो आप घर चले जाइएगा। तो क्या नाम था वो बंदे का? अनिल पटेल था उसका नाम। वो टेबल पे साइड में जाके बैठा और बैठे बैठे वो टेबल पे से गिर गया और कोलैप्स हो गया। आदमी लेके तुरंत उसको हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चढ़ाया, 5 मिनट में उन लोग ने बोला कि ही इज़ नो मोर, डिक्लेयर कर दिया कि डेड है। जा रहा है कि पहले भी ये बंदा आपके इधर काम करता था? 2.5-3 साल पहले मेरे यहाँ काम करता था, ये बहुत दारू पीता था और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लीवर वीवर बहुत ख़राब था, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था कंपनी ने 15 दिन के लिए, पूरा खर्चा कंपनी ने किया था और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमको इसको रिलीव करके गाँव भिजवा दिया था और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया था कि ये पोजीशन में भी नहीं कि घर पे पहुंच सके, तो आप लोग इसको बस में से उतार के आप इनको ले जाइएगा। और अभी सर जो ये रिपीट अभी ज्वाइनिंग किया था, उसने कभी से ज्वाइनिंग किया? रिपीट ज्वाइनिंग उसने 27 तारीख से की थी। वो गाँव से उसका मेरे को फ़ोन आया था कि मेरी तबीयत अभी एकदम ठीक है सर, मैंने दारू भी छोड़ दी है, मेरे पास खाने दाना नहीं है, रिक्वेस्ट आप मेरे को रख लीजिए, मैं काम आपके पास ही करूँगा। तो मैंने उसको वापस कंपनी में रखा था। 27 तारीख से सर आपके इधर से ज्वाइनिंग किया था? 27 तारीख से वो मेरे यहाँ पे काम पे आया था। तो उसको कोई ऑफर लेटर है किसी तरीके का? कोई ऑफर लेटर वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि उसको ट्रायल के लिए रखा था कि 15-20 दिन महीना भर उसका बिहेवियर सही रहेगा और वो दारू नहीं पिएगा तो उसको कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा। जैसे ट्रायल बेसिस पे भी कोई ऐसे अथॉरिटी कोई लेता? ट्रायल बेसिस पे कोई भी लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं मिलता है, कंपनी नहीं देती है, कंपनी फिक्स पे रखती है तभी होती है। इसके लिए आज जो कंपनी में घटना घट गई तो फिर उसका जिम्मेदार अभी पूरी तरीके से कौन, कंपनी उठा रही है? कंपनी उठा रही है, जो फैमिली की डिमांड थी कंपनी सारा पैसा उनको दे रही है जितना फैमिली ने डिमांड किया था। और उनकी अंतिम क्रिया अंतिम विधि में मेरे यहाँ पे 20 आदमी है इंक्लूडिंग मैं, अंतिम संस्कार तक हम लोग उनका साथ में रहेंगे। मेरा आदमी था मतलब मेरी फैमिली थी, कंपनी जिम्मेदार है, तो उसका जो भी लायबिलिटी बनेगा जो उसका हक बनेगा कंपनी पूरा उठाएगी, तो उसका जिम्मा। जैसे वही बताया जा रहा है कि कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए या कंपनी के जैसे इंश्योरेंस हो गए या जो भी एम्प्लॉय के जो भी उनके इंश्योरेंस होते हैं, डेथ इंश्योरेंस होते हैं, फैमिली इंश्योरेंस होते हैं, तो वैसे तरीके की कोई फैसिलिटी सर अपनी कंपनी से उसको मिली थी क्या? फैसिलिटी जो भी उसका हक बनेगा सब कंपनी की तरफ से मिलेगी। ऑफिशियल ऑन पेपर बना था? ऑफिशियल ऑन पेपर कोई भी तरीके का इंश्योरेंस नहीं निकाला हुआ था, बिकॉज वो 8 दिन पहले ज्वाइन किया था तो इतना फास्ट वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। तो उसके पहले जो किया था उसके बाद उसका तो कोई इंश्योरेंस या कुछ होगा ना उसका? उसके पहले जो काम किया था उसका भी कोई उसका इंश्योरेंस नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में ऐसी तरीके की कोई भी फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल? नहीं थी इंश्योरेंस की फैसिलिटी। अच्छा सर, ये जो घटना बनी है इसको लगभग अभी 34 से 35 घंटे हो गए। हाँ जी। तो अब तक इनके परिवार लोगों ने बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया था, तो किस वजह से ये काम को रोका गया था? बॉडी रोकने का जिम्मा ये था कि परसों हमने काफ़ी देर तक वेट किया, हमने 12 बजे इसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया था, बट सूरत से आने में उनको 7:30 बज गई, वो 7:30-8 घंटा लगा दिए उन्होंने आने में। उसके बाद मेरा आना पॉसिबल नहीं हुआ, मैं भी गुजरात में नहीं था, महाराष्ट्र में था, तो मेरा आना पॉसिबल नहीं हुआ। और आज सवेरे जैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं आप आइए, आपसे बैठ के बात करके इसको क्लोज करेंगे, तो मैं निकल के आया, जैसे ही हमारी मुलाकात हुई इमीडिएटली सेटलमेंट हुआ और अभी बॉडी हम लोग लेके जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। ब्रेकअप न्यूज़ के लिए उमरगांव से सुरेश भानुशालू की रिपोर्ट।